के मुलाकात हो आवाज़ से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो गांव के बारे में है। हम लोग गांव आए हुए हैं अपने मामों के घर, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये जो खूबसूरत सीनरी है गांव के घर की, और हम स्वात आए हुए हैं, तो स्वात से हमारा ताल्लुक़ है। और ये देखें, मैंने कहा घर की आपके साथ थोड़ी सी वीडियो में शेयर करूं। तो आप देख सकते हैं गांव के घर सादा से होते हैं, बरामदों के साथ, और इस तरह के घर होते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम सर्द होता है, तो इन्हीं मौसम के लिहाज से यहाँ पे घर बनते हैं। तो ऐसे घर होते हैं बड़े बड़े बरामदों के साथ, और फिर यहाँ पे ऐसे उनके साथ सहन होता है। तो यहाँ पे देखें अच्छी खासी घास उगी हुई है, खूबसूरत लॉन आप देख सकते हैं, और पौधे यहाँ पे सादा से यहाँ पे होता है, इतना कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कोई वो हो, लेकिन सादगी के साथ उन्होंने घर को सजाया होता है। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा थोड़ा बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, और ये फलदार दरख्त भी इन्होंने लगाए हैं, जैसे ये लोकाट का दरख्त है, अभी इनमें फूल आए हुए हैं। और ये देखिए अमरूद का इन्होंने पौधा लगाया हुआ है, और यहाँ पे पुदीना, क्योंकि यहाँ पे हम ज़रा होते हैं तो चटनियाँ वटनियाँ बनती हैं ज़्यादा फिर, और मज़ा भी आता है खाने में। और ये देखिए मुर्गियों का पंजा, इसमें मुर्गियाँ होती हैं, इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं मामू ने। और यहाँ पे आप देखिए तो ये यहाँ अंडे भी होते हैं मुर्गियों के, तो मामू को शौक भी है मुर्गियाँ पालने का।
और देखें आपको मैं ज़रा पहाड़ दिखा दूँ तो अच्छे अच्छे ये ऐसे पहाड़ है सरसब्ज दामन में ये घिरा हुआ है पहाड़ों से। ये हम आए हैं बाहर दरिया में बच्चों को लेके, बच्चों ने कहा था पानी देखना है तो बस बच्चों को लेके आए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती आप देखें ज़रा। तो ये देखिए कुछ जानवर भी ये हैं इधर दुम्बे वगैरह, वो देखिए सामने पहाड़ जिस पे बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है और ये देखें मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हर चीज़ सब्ज़ा सब्ज़ा और खूबसूरती है हर जगह। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूं। गांव कितना खूबसूरत है आप देख लें और ये कुदरती बस खूबसूरत अल्लाह ने दी है इस मिट्टी को और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, अच्छा अच्छा लगता है बाहर आके और सब्ज़े में घूमना फिरना। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया बाहर आके और ये देखें बच्चे बाहर घूमने आए हैं, देखें ज़रा आपको मैंने कहा चले आप भी मेरे साथ शेयर करें ज़रा। यहाँ पे प्याज की काश्त है लोगों ने, हाँ ये प्याज की काश्त यहाँ पे की हुई है और वो देखें दूर दूर भी यहाँ पर तकरीबन सारे प्याज और लहसुन की काश्त होती है, लेकिन जब गर्मियाँ होती है तो गर्मियों पे यहाँ पर यहाँ पर चावल काश्त की जाती है क्योंकि ये पानी यहाँ पे नज़दीक है तो ऐसे जगहों पर चावल को काश्त किया जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी होता है तो चावल तो ज़्यादा पानी में ही उगता है तो बाद में इधर चावल की काश्त होती है। ये देखिए ये गंदम की फसल है यहाँ पे और सारी फसलें ही हैं यहाँ पर, तो गंदम की फसल प्याज और लहसुन के आजकल दिन हैं तो ये देखिए ज़रा आप सारा सब्ज़ा ही सब्ज़ा और अल्लाह ताला ने इतना हुसन दिया इस मिट्टी को, आप देखें इसकी खूबसूरती को कि बाहर आके दिल इंसान का खुश हो जाता है और कहते इंसान सोचता है कि इधर ही बस बाहर घूमूँ और खूबसूरत जगह को बस इंजॉय करें इंसान। ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये भी हम अक्सर साग में डालकर बताते हैं, ये अब पता नहीं इसमें इसको पंजाबी या उर्दू में क्या बोलते हैं लेकिन ये काफ़ी हम जब साग बनाते हैं तो इन चीज़ों को हम डालते हैं। ये देखिए ये हर्ब्स है कुदरत, ये देखिए यहाँ पर ये पुदीने टाइप की होती है इसको भी हम यूज़ करते हैं और उनको हम सुखा के फ्रेश के लिए हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये तो वैसे बहुत ज़्यादा इधर पे है लेकिन अभी तो वैसे ही, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये ज़रा शेयर करूँ, ये देखें ज़रा ये सारी जो होती हैं ये पकाने की चीज़ें होती हैं साग में अक्सर और शराब खाने बनाने के और हर हर्बल चीज़ें हैं ये सारी। ये देखिए पानी की आवाज़ इसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी, ये देखिए साफ सुथरा पानी खूबसूरत शफाफ, तो आपको दिल करता है यहीं बैठ जाए और इंजॉय करें ज़रा। ये हमारा गांव है खूबसूरत, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी हम साग बनाते हैं तो ये डालते हैं और इसका बहुत ही अच्छा जायका होता है और ये इकट्ठा सा खटास भी देता है साग में, हम मिली जुली साग है बहुत सारी इकट्ठी करके ना जैसे ये हो गया और इनको इकट्ठा करके हम बनाते हैं साग। तो आज हम जब बनाएंगे साग वाले चावल तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे बनता है। ये देखिए सारा ये जो है ये हम सारे साग में डालते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ें कोई ऐसी इसमें नहीं है कि गंदी, क्योंकि यहाँ पर सफाई, ये देखिए ये भी हम डालते हैं उसमें, ये सारे हम डालते हैं साग में और साग वाले चावल जब बनते हैं ये देखिए ये सारी चीज़ें उसमें डलती हैं। देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों।
पहाड़ों की कसम। देखिए आड़ू का बाग है और यहाँ पे देखिए फूल, जरा तो ये फूलों का मौसम है और फूल आए हैं इसमें। ये देखिए जरा, ओ हर जगह पे फूल ही फूल है। अभी बाहर आने के साथ इनमें फ्लावरिंग भी आई है और फिर अप्रैल में इस तरह इनमें फ्रूट्स आएंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा बाग है आड़ूओं का। तो बस चले आप ही मेरे साथ देखें और जरा शेर पे आए मेरे साथ तो आपको भी मजा आएगा देखने में। देखें आपको दरिया किनारे ले चलते हैं, अभी उधर चलते हैं। ये देखें बच्चे आए हैं पानी के एंजॉय करने। तो ये देखें हम पानी किनारे आ गए हैं और ये देखें पानी साफ सुथरा पानी। देखें बच्चों को पानी इतना ठंडा है कि पाँव भी नहीं डाल सकते पानी में। ये देखें पहाड़ इर्द गिर्द और पहाड़ों के देखें कहाँ कहाँ पे घर बने हुए ऊपर ऊपर पहाड़ों के ऊपर। ये देखें जरा तो इर्द गिर्द पहाड़ ही हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। पानी की आवाज़ इतना सुकून देती है कि बस इंसान कहता है कि बस यहाँ पे बैठ के और खूबसूरती को देखते रहें। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं यहाँ पे। देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।